हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रभात, कैसे हैं मेरे छोटे बड़े सभी भाई बहन। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और कुछ नया नियंत्रण आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। और तो फिर भाई शुरू करते हैं आप सभी के साथ अपने दिन की शुरुआत। तो भाई ब्रश वगैरह हो चुका है, अभी ईशांत नहीं उठा है और ईशांत के पापा चले गए हैं भाई घूमने और मेरा ब्रश वगैरह हो गया है। तो अब देखते हैं भाई, पहले सबसे पहले तो गर्म पानी पिएंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का जो भी काम बनता है तो फिर वो काम करेंगे। तो यही है भाई, सबका साथ सबका विकास। तो भाई चैनल पे भाईचारा बनाए रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और ये मेरा गर्म पानी हो गया था तो मैं बैठ के आराम से मैं क्या पहले गर्म पानी पी लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं जो भी बचता है। तो मैं सबसे पहले अभी आटा लगाने के लिए आ गई थी किचन में, तो जब तक फिर आटा सेट हो जाता है, मतलब थोड़ी देर उसको लगा के रख देते हैं तो रोटी भी अच्छी बनती है। तो अगर साथ के साथ आटा लगा के और रोटी बनाए तो फिर वो अच्छी सी नहीं बनती रोटी, तो मैं आटा पहले लगा देती हूँ। और आटे में मैंने थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी और नमक डाल दिया है। तो कहते हैं भाई आटा ऐसे नहीं लगाना चाहिए, तो उसमें कुछ डाल लेना चाहिए फिर ठीक रहता है, सुना है बड़े बुजुर्गों से, तो फिर मैं भी यही फॉलो करती हूँ। तो आटा मेरा लग चुका था, तो अब मेरे पास अभी कुछ टाइम था, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ये जो कपड़े धोए पड़े थे तो इनकी भी तह लगा देती हूँ, इनको उठा देती हूँ। तो यही है, जितना जल्दी काम करो तो उतनी जल्दी निपट जाता है, फिर दिन में फ्री होके थोड़ा टाइम अपने आप को भी मिल जाता है। तो अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, तो भाई फिर अपनी केयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम अपने लिए भी बचाना पड़ता है। तो मैंने ये कपड़ों की तय शुरू कर दी थी, बाकी जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने पहले ही अलग निकाल दिए थे। और फिर ये आगे थे घूम के, तो फिर मैंने सोचा चलो अब तो चाय रख ही लेती हूँ, तो फिर मैंने चाय के लिए रख दिया तभी गैस पे बर्तन। और फिर आजकल हम मतलब आजकल क्या सर्दियों में शक्कर की चाय बनाते हैं भाई, शक्कर और अदरक मिक्स करके, अदरक तो डालती ही है खैर, पर शक्कर चीनी का यूज़ नहीं करेंगे अब, सर्दी सर्दी तो शक्कर ही पियेंगे और शक्कर की चाय लगती भी टेस्टी है। चाय थोड़ी फालतू बना लेती हूँ क्योंकि चाय लग जाती है, आजकल दही कोई नहीं खा रहा है क्योंकि भाई सुबह सुबह का टाइम होता है, ये 8 बजे निकल जाते हैं घर से, तो उस टाइम ना दही खाने का मन नहीं करता। तो मैंने रात दूध गर्म नहीं किया था, तो एक साइड मैंने ये दूध गर्म रख दिया था और एक साइड ये दूध मैंने फाड़ने के लिए रखा, अभी पनीर बनाना है थोड़ा सा तो उसकी भुजिया बन जाएगी मटर डाल के। वैसे ही शांत खाता नहीं, मैं आज काफ़ी दिनों में ट्राई कर दी हूँ कि चलो ये पनीर की भुजिया आज इसके लंच बॉक्स में डालूँगी तो ये खा ली किसी तरह। तो भाई फिर ये इसमें मैंने दूध गर्म हो चुका था तो थोड़ी सी दही डाल दी इसमें, पर ये दही से ना फटा नहीं, फिर मैंने मतलब दही इसमें अच्छी खासी डाल ली भी फिर भी कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मेरे को ना इसमें नींबू ही डालना पड़ा, तो मैंने इसमें नींबू डाला तो ये एकदम से फिर हो गया, फट गया, तो अच्छा पनीर निकला था भाई। घर के दूध का यही फ़ायदा है, जी चीज़ अच्छी मिल जाती है। और ये देखिए, तो मैंने परफ्यूम रख दी थी भाई, इसी में बनाऊंगी मैं ये जो पनीर की भुजिया बनेगी। थोड़ा सा डाल देती हूँ तेल और इसमें बस जीरा डालूंगी भाई, नहीं जीरा तो डालूंगी मतलब और कुछ नहीं डालूंगी मैं, मतलब कड़ी पत्ता वगैरह आज था नहीं घर पे तो फिर जीरा ही डालना है। तो लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी गर्म मसाला, तो टमाटर इनको मैंने भून लिया वही सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और पता नहीं शांत खाएगा या नहीं खाएगा क्योंकि वो खाता नहीं, तो मैं इसलिए बनाती नहीं भाई, तो काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ मैं आज, क्योंकि घर पे कोई और सब्जी नहीं थी। तो फिर मटर आलू मटर भी बनाए थे तो आलू मटर से भी मन भर गया, तो सोचा आज ऐसे बनाते हैं, तो मैंने इसमें अभी थोड़ा पहले ही ना इसमें मटर डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा पक जाए, तो क्योंकि पनीर में तो इतना टाइम लगना नहीं है,
वो मटर इसलिए पहले डाल दिया था, वो पक भी गया था मटर पहले ही। अब बस सिर्फ 5 मिनट के बाद ये हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार। ये देखिए, ये थोड़ी रंगत वैसी लग रही है, फोन में रंगत अच्छी आई है सब्जी की। और इधर चाय भी बन गया, और ये देखिए रख दिया तवा। सुबह सुबह तो भाग दौड़ बहुत होती है, और ये दोनों हो चुके हैं तैयार, नहा लिए हैं दोनों, बस अब रोटी का ही इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं फिर इनको भी देती हूँ फिर रोटी बना के, बना तो दी है बस। और ईशांत के पापा खाएंगे रोटी और ईशांत खाएगा पराठा। हम दोनों तो मतलब सिंपल रोटी खाते हैं, पराठा बहुत कम खाते हैं, तो पराठा सिर्फ ईशांत के लिए ही बनता है। ये देखिए, दो रोटी बन गई थी, तो मैं सोच रही थी पहले इनको दे के आ जाती हूँ, जब तक ये खाना शुरू करेंगे फिर ईशांत का लगा दूँगी। ये प्लेट ईशांत के पापा की लगा दी थी मैंने, और अब आई थी ईशांत की बारी। अब ईशांत कहता मेरे को भी दे दो, मैं कह रुक जा एक मिनट, अब तेरी ही बारी है। तो फिर दो रोटी पहले मैंने सोचा अपनी भी उतार लूँ, फिर वो तवे पे घी सा लग जाता है ना, फिर रोटी अच्छी नहीं बनती। तो फिर अब ईशांत की बारी आ गई थी भाई, तो ईशांत के लिए अब लंच बॉक्स के लिए, और अब जो खाएगा ये दो परांठियाँ अब खा के जाएगा। छोटी छोटी सी होती हैं इसकी परांठियाँ, वो दो खा लेता है, दो स्कूल में लेके जाता है। बस यही है हमारा भी खाने पीने का तो सिस्टम। तो कुल मिला के दो रोटी ईशांत के पापा की बनी, और दो रोटी मेरी, एक गाय की, एक कौवे की, और 4 रोटी ईशांत की बनी है, 2 तो यहाँ की और 2 लंच बॉक्स की। कितनी हो गई भाई, 10 रोटी बनती है ना। तो यही है भाई, 10-12 रोटी बन जाती है, बस इतना ही है लगता है हमारा राशन पत्ता जो भी लगता है। और ये थोड़ी सी चाय मैंने ईशांत को दी, मैं कह ले ले थोड़ी सी, वो ले नहीं रहा था चाय। ईशांत बहुत कम पीता है, मैं तो रज के पीती हूँ भाई चाय, 1 गिलास भर के। तो ये मैंने डिब्बी में ईशांत के लिए सब्जी भी डाल दी थी भाई। तो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे भी तेजी से भी चल रहा है काम। और ईशांत के पापा निकल चुके हैं बाहर, और ये देखिए ईशांत भी निकल चुका है भाई, जा रहा है ये भी, दोनों चले गए हैं। 8 बज गए हैं भाई, और मैं भी अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई थी, मैं कह मैं भी गरम गरम ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर ठंडे में मज़ा नहीं आएगा। तो फिर जल्दी से मैंने भी खाना खाया, तो खाना खा के भाई फिर मैं भी वहाँ से उठ ली, मैं कह चलो लगते हैं किचन की फिर साफ सफाई में। तो भाई मैं आ गई थी अपनी किचन संभालने के लिए, और रात ये नमकीन चावल बनाए थे हमने, तो किसी ने भी नहीं खाए, तो ये सारे ऐसे ही रखे हैं। तो दोपहर को देखेंगे इनके साथ कुछ दाल सब्जी कुछ बनाएंगे, तो फिर सब्जी के साथ ही खाएंगे। तो मैंने ये कढ़ाई में बनाए थे भाई, कढ़ाई में अच्छे नहीं बने ये वाले चावल, तो ये कुकर में बनने थे भाई, तब अच्छे लगते ये। तो बस फिर ऐसे ही हुआ, और ये फिर उठा रही थी भी ये सलब पे जो सामान बिखरा पड़ा था सुबह का। सुबह के टाइम तो किचन मतलब पूरी बिखर ही जाती है, तो फिर बाद में समेटते हैं फिर किचन को, तो ना एक बार तो बिखरती है पूरी। और मेरी किचन तो भाई जब मैं किचन में काम करती हूँ पूरी बिखर जाती है, क्योंकि मैं सारा सामान जितना भी यूज़ करती हूँ सारा सलब पे ही रख देती हूँ, उसको सोचती हूँ बाद में उठाऊँगी आराम से। मेरे को मतलब ये आदत मेरी ख़राब है, मैं सारा सामान किचन सलब पे ही छोड़ देती हूँ, और बाद के चक्कर में ना फिर बाद में ही उठाती हूँ उसको, ये आदत मेरी गंदी है। वैसे मैंने देखा है कि साथ के साथ सामान उठा देते हैं, डब्बे वगैरह जैसे मेरे किचन पे ही पड़े रहते हैं। और ये देखिए जी, किचन सलब भी हो चुकी है साफ, और मैंने ये पानी का ना तिल्ला रख दिया था गैस पे, ये बोतल में डालने के लिए गर्म पानी। तो भाई फिर अब गर्म पानी ही यूज़ करते हैं, जब जिसने पीना हो तो इन बोतल से लेके वो आराम से पी ले, कोई झंझट नहीं है। फिर अगर गर्म पानी ना हो फिर ये सोचते रहते हैं कि बस यही पी लो ठंडा पानी, अगर गर्म पानी रखा है फिर ये रहता है चलो भी गर्म पानी है इसी में से पी लेते हैं। और ये बर्तन की सलफ साफ करके मैं ना फिर बर्तन करने लगी थी भाई,
और ताजे पानी में ना बर्तन जल्दी हो जाते हैं, अगर पानी चला जाए ना फिर वो टैंकी का पानी आए ना उसमें मज़ा सा नहीं आता। और ये जो ताज़ा पानी आता है ना थोड़ा गर्म सा भी होता है और ठीक होता है, मतलब जल्दी काम हो जाता है। मेरी आदत यही है कि मैं गर्म इसमें ताजे पानी में ही सारा काम कवर कर लूँ अपना, तो काम तो मेरा जल्दी हो ही जाता है। भाई अब देखो 8 बजे ये चले गए हैं, तो अब ये किचन है भी, इसमें देख लो कितना टाइम लगना है साफ़ करने में। बाकी कपड़े लत्ते मैंने उठा ही दिए थे, बेडशीट वगैरह ठीक करनी है अभी जाके रूम में, वो ठीक करेंगे ईशांत के पापा के जो रूम की है और मेरे रूम की है, ईशांत और मैं मेरे रूम की। तो यही है भाई हमारी दिनचर्या ये रहती है सारे दिन की। तो प्लीज़ जो चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, तो वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो भाई। चैनल पर भी भाईचारा बनाए रखें और मर जाने हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, खाली बातें ना सुना करो मेरी। तो ये मर जानियाँ तो कर दें फिर भी, पर ये मर जाने ना चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कर दें, कर दे करो भाई, इसकी कोई चार्जिंग नहीं लगती है।